हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम देखेंगे आज एक्सरसाइज 10.2 सर्किल वाला चैप्टर है, क्लास 10th का। और फर्स्ट क्वेश्चन है ये। वैसे चूज द करेक्ट दिए हुए हैं, विकल्प आपको मिले हैं इसमें, तो फिर भी आपको सोल्व तो करना ही पड़ेगा। एक सर्किल है जिस पर क्यू पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है, जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। क्यू से एक स्पर्श रेखा गई है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, इसका नाम हमने पी दे दिया, ठीक है। और क्यू से ओ की डिस्टेंस, यहाँ से क्यू बिंदु से इस केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो हमें त्रिज्या बतानी कितनी सेंटीमीटर की होगी। और कल ही एक पिछली वीडियो में बताया था कि जो त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा होती है, दोनों के बीच लंबवत मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसा लिख लें कि स्पर्श रेखा लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है त्रिज्या पे। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन आपका ये रहेगा। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है, हिंदी वाले ऐसे लिख लेना। मैं वही पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी वाले भी ऐसे लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे पाइथागोरस, प्रमेय का उपयोग करने पर, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधा का वर्ग, मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर और पेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। नाम वही है, ओ क्यू ओ पी परपेंडिकुलर, बेस कितना है क्यू पी। चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, ये 25 है। ओ पी हमें पता नहीं है, ओपी की जगह हम क्या लिख दें आर, क्योंकि हमें रेडियस त्रिज्या निकालनी है। प्लस क्यू पी कितना है 24, ये हो जाएगा 625 इसका वर्ग, ये प्लस का होके माइनस आ जाएगा 576, और ये आर स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 4 बस 49, ठीक है। और स्क्वायर है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √49, और इसका वर्ग स्क्वायर रूट इसका वर्गमूल 7 होता है, 7 सेंटीमीटर ये आ जाएगी, तो आर बराबर हो गया 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बुक में दिया हुआ है, ये आपको डायग्राम मिल जाएगा। और उन्होंने बोला है कि ये पीटी और टी क्यू दोनों क्या है, स्पर्श रेखा, दोनों टेंजेंट है। और जब दोनों टेंजेंट अगर होंगी तो यहाँ इस रेडियस से ये 90 का कोण बनाएगा, इस रेडियस से भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जब ये 90 के हैं, ये 90 के, ये 110 का है, और उन्होंने बोला कि इसको निकालो, ये कितने का होगा, इसको फाइंड करना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए ये पी टी क्यू एंगल कितने का होगा। अब हम क्या जानते हैं, हमें पता है कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों को अगर जोड़ा जाएगा, अंदर के सभी एंगल्स को प्लस करें, इन सभी को प्लस करें, तो कितना आना चाहिए, 360। तो ऐसा लिखोगे इन इन पी क्यू पी ओ क्यू, लिखो इन पी ओ क्यू टी, क्या हो गया है, एंगल एंगल पी ओ क्यू प्लस, नाम लिख रहा है इन सभी के, इसका नाम, इस एंगल का नाम ओ पी टी, इस वाले का ओ क्यू टी, इस वाले का नाम पी टी क्यू, ठीक है। चारों एंगलों को प्लस करने पर कितना आएगा, 360 आएगा, ठीक है।
एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, इस तरीके से नाम भी दे सकते हैं अगर इस ऐसे नाम ना लिख पाओ तो, ठीक है। और ये 1990 के हैं, सबकी वैल्यू रख दो, 110 का ये है, 90 का ये है, 90 का ये है, और पीटी क्यू हमें पता नहीं है, इसको निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 360। इनको प्लस करो, 110 और 90, 200, 290, 290 प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 360। एंगल पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290, तो एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा, 16 में से 9, 6 इधर 3 उधर, 7 बचेंगे, बस 70 डिग्री का ये एंगल होगा, तो ये कितने का आ गया, 70 डिग्री का हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये उन्होंने बोला था कोई पॉइंट है पी और कोई सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, जिसका केंद्र ओ है, पी से दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी इस तरीके से गई हैं कि आपस में 80 डिग्री का कोण बना रही है, 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ज्ञात करना है, कौन सा एंगल, पी ओ ए, पी ओ ए, देखो ये है एंगल पी ओ ए, इसकी वैल्यू बताना है ये कितने का होगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि एक सीधी लाइन है जो इस एंगल को बराबर दो टुकड़ों में काटेगी, ठीक है। अगर ये 80 का है तो 40 का यहाँ पे, 40 का यहाँ पे होगा, और अगर 40 यहाँ पे है, इसे निकालना बड़ा आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये 90 का होता है, एक स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच यही संबंध होगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, पी ओ ए, पी ओ ए, मैं इन ट्राइंगल पी ओ ए, या हिंदी में लिखोगे त्रिभुज पी ओ ए में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसा होता है, 180 होता है। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए, ऐसा छोटा छोटा नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें लगाई जाती है, इंग्लिश में अगर लिखना हो तो वो भी लिख लेना। पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 है। ओ की वैल्यू कितना है हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है, 90, 180 यहाँ आ गया, ये 40 और 90 कितने हो गए, 130 हो गए, 180 यहाँ पे, और 180 में से 130 घटा दो तो क्या बचेगा, 50, तो ये जो है 50 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। यहाँ लिख लेना एक लाइन, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ऑल इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल द सम इज 180। क्वेश्चन नंबर फोर है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। एक सर्कल के किसी डायमीटर पर, कोई डायमीटर हम बना लेते हैं इस तरीके से, ये डायमीटर बन गया, ये व्यास बन गया, इस डायमीटर के सिरों पर मतलब लास्ट के टू एंड्स पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट बनाना है, और यहाँ पे भी एक टेंजेंट बनाना है, ठीक है। ये टेंजेंट बना ली, ये बताना है कि ये टेंजेंट, दोनों ही टेंजेंट आपकी पैरेलल होंगी, मतलब समांतर हैं या नहीं है, ये सिद्ध करना है, प्रूफ करके बताना है,
ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, जो गिवन है सबसे पहले वो देखो, गिवन दैट ए सर्कल विथ पॉइंट ए, ए सर्कल विथ पॉइंट ए, विथ ए सर्कल विथ सेंटर लिखो, ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एंड डायमीटर इज एवी। हिंदी में क्या लिखोगे, दिया है वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा व्यास, व्यास क्या है, ए बी है, व्यास इसका ए बी है, ए बी हम इसका व्यास नाम दे देते हैं, और बीच में जो केंद्र वो ओ हो गया, और टू टेंजेंट, टू टेंजेंट कौन कौन सी टेंजेंट, एक ये टेंजेंट हो जाएगी एक्स वाई, एक ये टेंजेंट हो जाएगी पी क्यू, मतलब स्पर्श रेखाएं हो जाएगी, टू टेंजेंट एक्स वाई एंड पी क्यू, और दो स्पर्श रेखाएं और दो स्पर्श रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपकी कैसी हैं, समांतर हैं या नहीं है। समांतर होने के लिए क्या होता है, देखो से चैप्टर नंबर 6 में देखा होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच से कोई तिर्यक क्षैतिज रेखा जब निकलती है तो यहाँ के जो एंगल होते हैं, जो कोण होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और जो इन दोनों कोणों को क्या कहा जाता है, इन्हें एकांतर कोण कहा जाता है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है, मतलब जब दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इन दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल को, इन दोनों एकांतर कोणों को हम बराबर बता देते हैं, वो 90-90 के बता देते हैं। ठीक है, बराबर होंगे और 90 के होंगे तो ये कितनी कैसी हो जाएगी लाइन, आपकी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जो यहां ऐसा लिख लेना हेयर ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, क्योंकि हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, लंबवत होती है, एंड ओ ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, एंगल बना दो, ओ बी क्यू एंगल, ओ बी क्यू कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और दूसरा ओ ए एक्स, ओ ए एक्स कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। जब ये दोनों एंगल कैसे 90-90 के हैं और दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर हैं, मतलब एकांतर कोण है, ओ बी क्यू इक्वल टू ओ ए एक्स बराबर कोण है अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये हमारे अंतः एकांतर कोण है, कैसे हैं, अंतः एकांतर कोण है, इसीलिए इसीलिए जो हमारी टेंजेंट है एक्स वाई, जो स्पर्श रेखा है वो समांतर हो जाएगी पी क्यू के। ठीक है, ये दोनों कैसी हो गई, समांतर हो गई, और ये हमारा हैंस प्रूफ आप करके लिख देना।
बस इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5, सीधी सीधी एक थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, क्या थ्योरम पढ़ी थी? क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा था, बल्कि उस थ्योरम में हमने देखा था कि जो सेंटर से जो रेडियस निकलती है वो टेंजेंट के ऊपर एक स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या हमेशा ही लंबवत होती है, यही चीज सिद्ध करना है। तो ये कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सीधी सीधी थ्योरम है, आप इसे याद ही रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बतानी है, ठीक है। एक बिंदु, एक पॉइंट है ए, ए से वृत्त के केंद्र से दूरी इसकी 5 की है, ठीक है, और स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी है, आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी है, ठीक है। हम नाम दे देते हैं इसको ओ पी क्यू, पी क्यू हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी, वो हमारा सेंटर हो जाएगा, मतलब केंद्र हो जाएगा। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, एक वृत्त क्या दिया है वो देखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा PA स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और OA बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे, इंग्लिश मीडियम वाले, कि ए सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ एंड पी ए इक्वल टू पी ए एंड ए टेंजेंट, एंड ए टेंजेंट पी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऐसा लिख लेना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर, हिंदी वाले ऐसे लिख लेना, और प्रमेय सबको पता है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, हाइपोटेनियस, लंब परपेंडिकुलर और बेस। कर्ण हमारा जो हाइपोटेनियस है उसे हम क्या लिखेंगे, ओ ए, परपेंडिकुलर ओ पी हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ओ पी हो गया। अच्छा, इसका नाम ए था, ये क्यू फालतू में ले रखा है, क्यू हटाई दो, कोई मतलब नहीं है, क्यू वो कहीं यूज तो नहीं करा, क्यू का, क्यू का कहीं यूज नहीं हुआ, ठीक है। ओ ए हमारा आ गया, लंब हमारा ये है ओ पी, और पी ए स्क्वायर ये हमारा बेस है, ओ ए हमें कितना दिया है 5, ओ पी हमें निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आर, जो कि हमारा रेडियस त्रिज्या है। पी ए कितना है 4 सेंटीमीटर का, ये हो गया 25 आर, और ये 16, 16 इस तरफ आगे माइनस के हो जाएंगे, ये आर हो गया, आर का स्क्वायर चल रहा है, ये हो जाएगा 9 बचेंगे, आर का स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा देंगे, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, यहाँ पे हमें दो कोसेंट्रिक सर्कल, दो समकेंद्रीय वृत्त दिए हैं। समकेंद्रीय वृत्त होता क्या है, दो सर्किल होते हैं, एक रेड वाला एक ब्लू वाला,
क्वेश्चन नंबर एट आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। सर्किल के चारों तरफ कुछ चार स्पर्श रेखाएं, चारों तरह की स्पर्श रेखाएं दी हुई हैं, जिससे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, ए बी सी डी, ठीक है। और जिन पॉइंट्स पर सर्किल को वो टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो हमारा है वो पी क्यू आर एस, ठीक है। आपको सिद्ध ये करना है, प्रूव दैट, सीधा सीधा उन्होंने ये बोला है कि आप इसको प्रूव करके बताइए। क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। एक बार चेक कर लेता हूं, यही है। ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी, ठीक है, यही हमें बताना है। तो देखो, किसी सर्किल पर, किसी सर्किल पर किसी बाहर के पॉइंट से अगर स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं तो वो बराबर ही होती हैं, चाहे वो पॉइंट कहीं पर भी हो। अगर वो पॉइंट यहाँ भी होता और यहाँ से इस पॉइंट पर स्पर्श रेखाएं तो टेंजेंट डाली जाती तो ये भी कैसी होती? बराबर ही होती। तो हर एक पॉइंट से, ए बी सी डी से जो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं, जो टेंजेंट बन रही है, वो कैसी? बराबर है, ठीक है। तो देखेंगे, यहाँ लिख देना हिंदी वाले, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो बाय पॉइंट ए, बाय पॉइंट ए, बिंदु ए के द्वारा, बिंदु ए के द्वारा, ऐसा लिखना है हर हर एक लाइन पे। तो ए द्वारा क्या है? ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस, इक्वेशन नंबर वन बना दी, ठीक है। बिंदु बी के द्वारा बाय पॉइंट बी, बाय पॉइंट बी, बिंदु बी के द्वारा क्या बनेगा? बी के द्वारा देखो, बी पी, बी पी बराबर बी क्यू, इक्वेशन नंबर दो बन गई। अब बिंदु सी के द्वारा देखो, बिंदु सी के द्वारा बाय पॉइंट सी, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लेना, हिंदी वाले हिंदी लिख लेना। बाय पॉइंट सी क्या है? सी से देखो क्या बन रहा है, सी से बनेगा सी आर बराबर सी क्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर तीन, और अब बनेगा बिंदु डी के द्वारा वाई पॉइंट, बाय पॉइंट डी, डी से क्या बन रहा है वो देखो, डी आर बराबर डी एस, इक्वेशन नंबर ये हमारी फोर्थ बन गई। समीकरण इक्वेशन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, चारों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, चारों समीकरणों के कगा क्या करोगे? जोड़ दोगे। चारों समीकरणों को अगर जोड़ोगे तो LHS वाला पार्ट LHS में जोड़ेगा, जैसे कि AB प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS, RHS वाले को RHS में जोड़ेंगे, AS BQ CQ और DS, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि जो AP है और BP है, AP को BP में जोड़ेंगे, इनको अगर जोड़ा जाएगा AP BP क्या बनेगा? AB बनेगा। CR और DR, CR और DR, CR और DR जोड़ेगा तो क्या बनेगा? CD बनेगा।
AS को DS में जोड़ दो, AS को DS में जोड़ दो, क्या बन जाएगा? AD बन जाएगा। और BQ को BCBQ में जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, ये वाली हो जाएगा BC, हैंस प्रूफ। यही हम सिद्ध करना था, ठीक है।